नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का राम स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अग्निवीर के बारे में कि अग्निवीर की सैलरी जो है कैसे वो मंथली 50,000 तक कमा सकते हैं। इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि अग्निवीर कैसे मंथली 50,000 कमा सकते हैं। मैं इसमें पूरा प्रोसीजर बताऊँगा आप लोगों को कि कैसे आप लोग नेवी ज्वाइन करने के बाद से आप लोग की जो सैलरी है 21,000 उसको आप लोग 50,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कम्प्लीटली वीडियो वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करके जाइएगा। आइए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूं कि कितनी कितनी सैलरी आप लोग को पर ईयर दी जाएगी। तो सेवा निधि में देख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट ईयर 30,000 रुपये आप लोग को लिखा हुआ है, लेकिन इन हैंड आप लोग के हाथ में 21,000 मिलेगा। 9,000 जो है आप लोगों के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड में कट जाएगा, 9,000, ठीक है। सेकेंड ईयर आप लोग को 33,000 आप लोग का सैलरी होगा, लेकिन आप लोग को मिलेगा 23,100 रुपये, जो कि 9,900 आप लोग का जो है कॉर्पस फंड में कट जाएगा। वैसे थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की बात कर आप लोग देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे 21,000 सैलरी है, हम लोग कैसे जो है अग्निवीर से 50,000 इसको बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप लोग को पता है कि इंडियन नेवी में अलाउंसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, सुन लीजिए। अलाउंसेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा इनकम। जैसे मान लीजिए आपने शिप पे सेलिंग किया, आपने 30 दिन सेलिंग किया, तो 30 दिन की सेलिंग का जो है आप लोग को एक्स्ट्रा 6,000 रुपये मिलता है, 6,000 रुपये आप लोग को जो है एक्स्ट्रा मिलता है। मतलब 21,000 के अलावा आप लोग को 6,000 रुपये एक्स्ट्रा दी जाएगी। अगर आपकी जो शिप है, मैं बता दूँ पहले आप लोग को, अगर आपकी शिप सेलिंग कर रही है, सेलिंग का मतलब समुद्र में जो है सेलिंग कर रही है, और अगर फॉरेन कंट्री जाती है, फॉरेन कंट्री का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, दूसरी विदेश कंट्री में जाती है, तो आप लोग अगर उसने बॉर्डर टच कर लिया जो है फॉरेन कंट्री का, उसने अगर बॉर्डर भी टच कर लिया, तो आप लोगों को जो है 17,500 एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब 21,000 आपको सैलरी है, उसमें आप लोग 17,000 अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगी 38,000 आप लोग का। उसके बाद आप लोग को कौन कौन सा अलाउंसेस मिलेगा, तो मैं आपको बता दूँ, ड्रेस अलाउंसेस आप लोग को दिया जाएगा, आप लोग को वहाँ पे सेलिंग अलाउंसेस दिया जाएगा। और समझ लीजिए आप लोग, सेलिंग अलाउंसेस और शिप अलाउंसेस अलग अलग होते हैं। अगर आप लोग शिप पे रह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग शिप में रह रहे हैं, शिप में आप लोग हैं, वहाँ पे प्रेजेंट हैं, बट शिप जो है सेलिंग नहीं कर रही है, तो आप लोग को जो है 6,000 मिलेगा। उसमें आप लोगों को कोई कटौती नहीं होगा, आप लोग का 6,000 इन हैंड मिल जाएगा। लेकिन अगर शिप में आप लोग हैं, शिप सेलिंग कर रही है, सेलिंग करते करते फॉरेन कंट्री पहुंच गई, तो आप लोग को 17,500 एक्स्ट्रा मिलेगा 6,000 के अलावा। तो कितना हो गया, 23,500 रुपया हो गया। आप लोगों की सैलरी है 21,000, अगर दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 45,000 के प्लस आप लोगों का सैलरी हो जाएगा अगर आप लोग सेलिंग करते हैं तो। तो सेलिंग करने में फ़ायदा है, तो जहां भी आपको मौका मिले सेलिंग करने के लिए आप लोग सेलिंग जरूर कीजिएगा। अग्निवीर की भी बात कर रहा हूं। एक में अलाउंसेस की अगर बात कर देता हूं, अगर आप लोग शिप में तो जाएंगे ही आप लोग, तो शिप में ट्रैवल करने का भी अलाउंसेस मिलता है। अगर आप लोग किसी इंजन रूम में काम कर रहे हैं, अगर आप लोग बॉयलर रूम में काम कर रहे हैं, तो आप लोग को हर एक रूम का भी जो है अलग अलग अलाउंसेस मिलता है। तो अलाउंसेस सब कम्प्लीटली अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग की जो सैलरी बनेगी वो 50,000 से प्लस बन जाएगी। तो मैं इस तरह बता रहा हूँ आप लोग को कैसे आप लोग जो अग्निवीर जो है वो 50,000 रुपये से भी ज़्यादा सैलरी कमा के जा सकते हैं नेवी में 4 साल से। तब 4 साल के भीतर आप लोग जो है 50,000 भी कमा सकते हैं मंथली, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद से आप लोग को ड्रेस अलाउंसेस मिलता है, आप लोग को हर साल जो है 10,000 या 20,000 का ड्रेस अलाउंसेस मिलेगा ड्रेस सिलवाने के लिए। ड्रेस इशू भी होती है नेवी की तरफ से, लेकिन ड्रेस अलाउंसेस में मिलते हैं 10,000 रुपये आप लोग को हर साल, तो वो एक एक्स्ट्रा अलाउंस हो गया। उसके बाद से आप लोग को कुछ बोनस दिए जाएंगे। कैसा बोनस दिया जाएगा सर, तो आप लोग को दिवाली बोनस मिल सकता है, या अलग अलग प्रकार के बोनस देती है नेवी, आप लोग को बोनस भी मिलेंगे। एक अलाउंस आप लोगों का होता है, मैं भूल गया था बताना, ये आप लोगों का होता है ट्रैवलिंग अलाउंसेस और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। अगर आप लोग कहीं और ट्रैवल करते हैं, अगर आप लोग का 4 साल में डिफरेंट प्लेसेस पर ट्रांसफ़र होता है, तो आप लोगों को जो है ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी मिलेगा और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी मिलेगा। आप लोग का जितना सामान होगा उस लगेज का भी आप लोग को पेमेंट जो है आप लोग को ट्रांसपोर्ट और ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो है फ्री में देती है जहाँ भी आप लोग का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग देख चुके हैं, मैं और कुछ अलाउंसेस के बारे में बात कर देता हूँ आप लोग, जैसा कि इस आगे वाले फोटो में देख सकते हैं। लोग फोटो में देख सकते हैं, चाहे इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप लोग, जितने प्रकार के अलाउंसेस हैं इसमें लिखा हुआ है, आप लोग इतने प्रकार के अलाउंसेस आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मैंने बता दिया कि कैसे आप लोग 50,000 रुपीज़ जो है मंथली कमा सकते हैं नेवी में भर्ती होने के बाद से,
तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि बंदे जो हैं वीडियो को वॉच करें, समझें कि कैसे आप लोग जो है 4 साल में जो है कम से कम 20-25 लाख रुपये आप लोग यहाँ से कमा के लेके जा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यही इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो पे, इस चैनल पे मिलती रहेगी आप लोगों को, लेटेस्ट वीडियो डालता रहूँगा ऐसे ही चीज़, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।